आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है जी, बाइकट कतर, बाइकट कतर एयरवेज। एक बात कहना चाहूंगा उन चिरकुटों के लिए, ये वो कतर है जिसके ऊपर चार देशों ने कंप्लीट बैन लगा दिया था, सऊदीया, बहरीन, यूएई और इजिप्ट। तब इनका कुछ नहीं हुआ, जबकि उस टाइम पे इनके जमीनी रास्ते, हवाई रास्ते और समुद्री रास्ते सारे बंद कर दिए गए थे, फिर भी कतर का घंटा कुछ नहीं उतरा। और इन चिरकुटों ये चिरकुट चले हैं बाइकट कतर एयरवेज करने। अरे बेवकूफो, तुम लोगों को पता भी है कतर किस चिड़िया का नाम है? जरा भी अंदाजा है कि नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा एक और बात, ये लोग कह रहे हैं कि कतर से जितने वर्कर है सबको बुला लो, कतर को एकदम से नाक के चना चबा दो, हैं? अरे भाई साहब, कतर में इंडिया के तकरीबन 6000 कंपनियां हैं इंडिया के लोगों की, और सोचो उनके पास कितने वर्कर होंगे इंडिया के, और ये सारे के सारे अगर चले गए इंडिया, इनको नौकरी कौन देगा? जो वहां ऑलरेडी पहले से लोग हैं उनको नौकरी मिल ही नहीं रही, तुम चिरकुटों को नौकरी मिल ही नहीं रही उन भक्तों को, और यहां से जो जाएंगे उनका क्या होगा फिर?